नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ सौम्या। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावी में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी सूबे की सत्ता में हैट्रिक ट्रिक लगाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं पिछले 10 सालों से सत्ता सुख से बाहर कांग्रेस इस बार कमबैक करने के लिए हर जतन कर रही है। इसी का एक हिस्सा विनेश फोगाट को जुलाना सीट से उतारना रहा है। हरियाणा की राजनीति में इस समय एक बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि इस चुनाव में खाप किसका समर्थन कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा एक जाट मेजॉरिटी राज्य है और जाटों की पहचान खापों से होती है। सभी पार्टियां ये चाह रही हैं कि उन्हें खापों का समर्थन मिले, इसको लेकर वो कई तरह के लोक लुभावन वादे भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि खाप क्या होता है और हरियाणा की राजनीति में इसका क्या महत्व है। खाप का अर्थ होता है समूह, जिसमें एक गोत्र के लोग मिलकर खाप का गठन करते हैं। इनका मुख्य काम किसी विषय पर सामूहिक राय बनाना और उस पर अमल करना होता है। खाप कई गांव में मिलकर बनाए जाते हैं। ये गांव या समाज में होने वाले छोटे मोटे विवादों का निपटारा करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। खाप पंचायतें कई बार अपने तालिबानी फरमानों को लेकर भी विवादों में रही है, लेकिन इससे इनका सामाजिक महत्व कम नहीं होता। खापों का फरमान संबंधित गोत्र, बिरादरी या गाँव के लिए अंतिम फैसला होता है। वही जब किसी मामले को लेकर सामूहिक निर्णय लेना होता है, तब सभी खापे मिलकर एक राय बनाकर निर्णय देती हैं। हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या जाटों की है और खाप इनके पहचान से जुड़ी है। सूबे में फिलहाल 120 खाप और जिनमें सर्व खाप, फोगाट खाप, मलिक खाप, सांगवान खाप, धनकड़, सतगामा, जाखड़, महम चौबसी, मलिक, कंडेला, गठवाला, मलिक, हुड्डा और कंडेला प्रमुख हैं। कंडेला खाप की कमान धर्मपाल कंडेला के हाथों में है, तो वहीं सतबास खाप की कमान बलवान सिंह मलिक के पास है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1989 में देखने को मिला। उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उस समय देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। सरकार बनने के बाद देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री चुने गए, जिसके चलते उन्हें हरियाणा में कुर्सी छोड़नी पड़ी। वो महम से विधायक थे और हमेशा महम चौबसी खाप के समर्थन से चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें रफ्तार।